हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बस कहते हैं कल डिनर करने के बाद सो गए थे, तो कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया और डिनर भी सिंपल सा था। और बस कहते सुबह हुई, आज है थर्सडे, और बस कहते सारे काम हो गए हैं, सफाई हो गई है और क्या कहते हैं सब कुछ हो गया है, बर्तन वगैरह सब कुछ हो गया है। नाश्ते में बन रही है आलू प्याज की पकौड़ियाँ। पकौड़ियों के लिए मैं यहाँ पे आलू प्याज कहते हैं पील कर लूँगी। पील तो कर लिए थे, कट भी कर लिए हैं मैंने। और कट करके आलू जो है पानी में भिगो देते हैं, और उसके बाद मैंने प्याज भी काट ली थी और बस ब्रेड की पकौड़ियाँ बनाई थी। तो बस यही कहते हैं हम लोग का ब्रेकफास्ट था। बेसन में मैंने मिला दिया है सब कुछ मसाले, जितने थोड़ी सी हल्दी भी डाली है, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला है और थोड़ा सा कहते हैं अजवाइन डाला है, हींग डाली है और नमक। और बस इसको हम बैटर बना लेंगे और फिर इसके बाद हम पकौड़ियाँ तलेंगे। अब बस यहाँ पे मैंने बेसन में थोड़ा सा बेसन लिया है, कटोरी बेसन, उसमें सारे स्पाइसेस मिला लिए हैं, जैसे हींग, अजवाइन, हल्दी, मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला और नमक। और बस कहते हैं इसका बैटर बना लेंगे। इसमें मैं ब्रेड के पकौड़े डिप करूँगी, आप चाहें तो किसी के भी इस वाले बैटर में डिप कर सकते हैं, और इसमें चावल का आटा भी मिला सकते हैं। और आप इसमें जैसे कोई भी मतलब कि डिप करने वाली चीज़, जैसे गोभी हो गई, बैगन हो गया, पनीर हो गया, कुछ भी डिप करके इसके पकौड़े हम रेडी कर लेते हैं। थिक सा बैटर बनता है इसका। तो बस मैंने यहाँ पे ये भी रेडी कर लिया है, थोड़ा सा इसको फेंट के अच्छे से कहते हैं हल्के हल्के से पानी मिलाइएगा, वरना बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है ये बैटर। मेरे घर में बच्चों को सबसे ज़्यादा ब्रेड की पकौड़ियाँ बहुत पसंद हैं, ब्रेड रोल हो चाहे चाहे कुछ भी हो, मतलब कि उनको ब्रेड का हर आइटम बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे, और हस्बैंड को आलू प्याज की पसंद है तो वो आलू प्याज गोभी वगैरह की खाते हैं, मुझे गोभी और पनीर की स्पेशल पसंद है और आलू प्याज की। मुझे यहाँ पे कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी सी थिक लग रही थी, तो बस मैं इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसको मैं कर लूँगी सही। और इधर मैंने कढ़ाई पर चढ़ा दिया था तेल गरम करने के लिए। और पकौड़े तो वैसे भी मस्टर्ड ऑयल में अच्छे लगते हैं सरसों के तेल में, तो मैं हमेशा से सरसों के तेल में ही सेकती हूँ। मैं रिफाइंड वगैरह वैसे भी यूज़ नहीं करती, बस ओकेशनली यूज़ करती हूँ रिफाइंड। तो मैं तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं अच्छी अच्छी थोड़ी धीमी धीमी सी धूप आ रही है और बस पकौड़े सिक रहे हैं। सो गाइस, ब्रेकफास्ट रेडी है। ये है मिंट की चटनी, ये है सॉस, ये है धनिया की चटनी और पकौड़े। बस यहाँ पे गाइस मैं कर रही हूँ अपने पोहे की तैयारी। इन लोगों को सबको नाश्ता करवा दिया था, तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए पोहा बनाऊँगी। तो उसमें मैं सिंपल से यार पोहा बना रही हूँ। वैसे तो आपने पोहे की रेसिपी मेरी काफ़ी बार देखी हुई है, लेकिन बस आज मैं सादा सा ही पोहा खाने का मन था और थोड़ा सा गुजराती स्टाइल में, थोड़ा सा स्वीट मतलब कि इसमें चीनी हल्की सी डालकर। तो बस ये प्याज, हरी मिर्च, करी पत्ता मैंने कट कर लिया था, और यहाँ पर थोड़ी सी मूँगफली भी रोस्ट कर रही हूँ। और बस थोड़ा सा कहते हैं यहाँ पे मैं सब कुछ ये कहते हैं डाल के फ्राई कर लूँगी राई वगैरह। और बस पोहा मैंने भिगो दिया था, तो बस पोहा भिगो कर इसको कहते हैं मैं बना लूँगी। और हल्की सी मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी, बस चुटकी भर चीनी और नींबू का रस।
बस हल्की सी मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं इसमें, आज हल्दी भी ऐड नहीं करूँगी और नमक, बस यही डालकर आज मैं पोहा खाने वाली हूँ। गाइस पोहा रेडी हो गया है, ये आप देख सकते हैं। गैस बंद कर दिए, सर्व करेंगे। सो गाइस यहाँ मेरा पोहा रेडी हो गया, मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ अपना। फाइनली जब ब्रेकफास्ट हो गया, सबको करवा दिया, तो उसके बाद बारी आती है किचन क्लीन करने की। और बस यहाँ पे थोड़ी सी वेजीज़ वगैरह आई थी, तो इनको भी मैं फ्रिज में सेट कर दूँगी सेपरेट करके। तो बस यहाँ पे अब मैं किचन क्लीन करूँगी सारी। ये आलू प्याज थे, तो आलू प्याज भी मैं कहते हैं आलू प्याज वाली टोकरी में ही रखती हूँ। और बस यहाँ पे सब फैला हुआ है सामान, तो थोड़ा थोड़ा क्लीन तो सारा करना पड़ेगा, क्योंकि आज है हॉलीडे, तो फिर वही बात है, सब लोग घर पे रहेंगे। अगर कहने किचन अभी साफ़ नहीं करी तो कुछ ना कुछ अभी बनता रहेगा और फैलती रहेगी। तो बस इसी चक्कर में सारी चीज़ें अब मैं जल्दी जल्दी क्लीन कर लूँगी। और ये है मिश्री, भगवान जी के भोग के धागे वाली मिश्री है, जो कि भोग के लिए सबसे बेस्ट रहती है। तो इसको भी मैं आज थोड़ी तोड़ कर रखूँगी, तो क्योंकि ये थोड़े बड़े बड़े कहते हैं चंक्स में आती है ना, तो उसको थोड़ा सा मतलब ये तोड़ कर रख के डिब्बे में भर के रख दो और भोग के लिए यूज़ करो तो अच्छी रहती है। तो बस यहाँ पे पहले मैं गैस स्टोव साफ़ करूँगी, और गैस स्टोव सबसे पहले ही साफ़ करना चाहिए, और उसके बाद फिर कहते हैं सारी स्लिप वगैरह साफ़ करूँगी, और उसके बाद में फिर सारे बर्तन धोएंगे। गाइस बस मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए मार्केट, कुछ काम है मार्केट में, तो बस हम मार्केट से आते हैं, फिर मैं बनाऊँगी लंच, और लंच में बना रही हूँ वेजिटेबल पुलाव। तो चलिए मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। A few moments later. बस मार्केट से आने के बाद में मैं सीधे लग गई थी कपड़े चेंज करके ना खाना बनाने के लिए। तो लंच में आज, वैसे मैंने आपको बताया था अभी सुबह को कि कहते मैं बना रही हूँ वेजिटेबल पुलाव, तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्याज कट करूँगी, थोड़ी सी एक कैप्सिकम कट करूँगी, कैरेट कट करूँगी, और मैं पोटैटोस वगैरह नहीं डाल रही आज, मुझे मन भी नहीं है खाने का। तो बस ये सारी चीज़ें फ्राई करके और सारे स्पाइसेस डालकर, तो बस कहते हैं इसमें दो सीटी लगा के बंद कर देते हैं गैस। तो बस यही आज वेजिटेबल पुलाव खाएँगे, यम्मी सा। सारी वेजीज कट होने के बाद में बस मैंने गैस पे कुकर चढ़ा दिया था, और उसमें तेल डाल के और सारे गरम मसाले और बस प्याज वगैरह जीरा वगैरह डालकर मैं सारी सब्जियां डाल दूँगी। और उसमें मैंने एक कटोरी मटर भी ली है, फ्रोज़न मटर है ये। तो बस ये सारी चीज़ें डालकर वेजिटेबल पुलाव हम रेडी कर लेंगे। आज सुबह इतना हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया था सब लोगों ने, तो कुछ भी ज़्यादा हैवी खाने का, रोटी वगैरह या सब्ज़ी वगैरह खाने का मन नहीं था किसी का भी। तो इस चक्कर में मैंने सोचा फिर हल्का फुल्का क्या बनाया जाए, तो बस आज मैंने सोचा हल्का फुल्का यही होता है, वेजिटेबल पुलाव बना लो या खिचड़ी तायरी जो भी है। तो खिचड़ी तायरी तो बनती ही रहती है, और वैसे भी जिस दिन हॉलीडे होता है हस्बैंड का उसी दिन बनती है, क्योंकि फिर ठंडी अच्छी नहीं लगती है। देखिए सारी वेजीज़ अच्छे से सॉटे हो गई हैं, और इसमें बस मैंने सोक्ड राइस इसमें ऐड कर दिए हैं। और बस कहते हैं अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी, और पानी आप अपने चावल की कैसी मतलब कि आपके चावल कैसे हैं उसी की कंडीशन के अकॉर्डिंग पानी डालिएगा। और देखिए चावल हो गए, बस इसमें लिड लगा दूंगी, और बस दो सीटी आएंगी, और देखिए हमारा खिला खिला पुलाव रेडी है। और गैस आगे का ब्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि घर पे कुछ गेस्ट आ गए थे, छुट्टी थी हस्बैंड की, तो फिर बस कहते हैं फिर वो रात को ही गए, तो इससे ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।